Hello, class 2nd. So, chapter 4 Health and Habits. God has given all of us a wonderful body. We must look after our body. It should be kept clean, healthy, and strong. गॉड हैज गिवेन ऑल ऑफ अस वंडरफुल बॉडी गॉड ने हमें एक वंडरफुल बॉडी दी है अद्भुत बॉडी दी, दी है देखभाल करनी चाहिए और इट शुड बीट हमें अपनी बॉडी को क्लीन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हेल्दी बॉडी हैबिट्स हेल्दी बॉडी रखने की क्या क्या हैबिट्स होती है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड फॉलो सम गुड है एंड हेल्थी क्या है मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना चाहिए टू टाइम ब्रश करना चाहिए देन डू समाइज डेली कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए Then, take a bath daily. Okay? Then, कॉम योर हेयर डेली बर्ड है कॉम करना चाहिए एंड कट योर नेल्स रेगुलरली रेगुलरली आपको अपने नेल्स को कट करना चाहिए लास्ट है आपका गो टू बेड एट नाइट ऑन टाइम और रात में टाइम पर ही बैठ जाना बेड पर जाना चाहिए ऐसा नहीं कभी सेवन ओ पे सो जाइए कभी ट्वेल्व ओ पे सो जा रहे हैं ओके okay? एक रेगुलर टाइमिंग होना चाहिए जो कि नाइन और टेन के बीच का समय होता है ओके देन हेल्दी फूड हैबिट्स फर्स्ट क्या टेक प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क एग्स पल्सेस एंड अदर फूड तो आपको काफी मात्रा में वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क एग्स पल्सेस और अदर फूड लेने चाहिए बर्गर पिज्जा ज्यादा नहीं खाना चाहिए वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील खाना खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए डोंट ईट स्टेल फूड बासी खाना नहीं खाना चाहिए डोंट ईट द फूड केप्ट अनकवर्ड ऐसे फूड को हमें नहीं खाना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो यानी ढका नहीं है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वॉटर और हमें साफ पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए सम एक्सरसाइज तो फूड तो करेंगे ही हम लेकिन कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड एक्टिव एंड हेल्थी तो जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों क्या रहता है एक्टिव और हेल्दी रहता है सम गुड एक्सरसाइज इंक्लूड तो वॉकिंग स्कीपिंग डांसिंग जॉगिंग स्विमिंग एंड डूइंग योगा तो कुछ आ, आ, अच्छी एक्सरसाइजों में ये सारी एक्सरसाइज आती है ओके okay? यहां देखिए क्या है स्कीपिंग है देन ये क्या है आपका डांसिंग है देन क्या है आपका ये जॉगिंग है देन क्या है आपका ये स्विमिंग है देन क्या है, ये? है. Then, आपका ये योगा है देन आपका गुड पोस्चर पोस्चर मतलब होता है आसन आसन आप शायद आप नहीं समझ सकते तो कह सकते कि उठने बैठने का जो तरीका होता है वो क्या आता है आपका पोस्चर में आता है तो द वे वी कीप आवर बॉडी वाइल सिटिंग स्टैंडिंग आर वॉकिंग is is called our posture. posture. posture It is important for us to to keep a good posture. Our wrong posture often leads to bad health. So, see, बताया क्या कि हमारे जो आ, उठने बैठने का जो तरीका होता तो है नहीं, चलने का भी है यहाँ पे ओके okay? तो so, we कीप आवर बॉडी वाइल sitting, स्टैंडिंग आर वॉकिंग इज कॉल्ड आवर posture. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप अड पोस्टर तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें गुड पोस्टर रखना चाहिए मतलब सही से बैठना चाहिए सही से खड़े होना चाहिए सही से चलना चाहिए a wrong posture often leads to bad health. अगर हमारा पोस्चर क्या होगा रॉन्ग होगा तो हमारी हेल्थ क्या होगी ठीक नहीं होगी बिगड़ सकती है इसीलिए कहते ना क्लास में भी आपको सीधे बैठना चाहिए आप लोग झुक के बैठते हैं हमेशा ओके तो यहाँ देखिए स्टैंड तो एकदम इरेक्ट है सीधा खड़ा है और बैठा है तो सीधा बैठा हुआ है ओके और ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट आर स्टैंड तो जब भी आप बैठते हैं या खड़े होते हैं तो अपने बैक को यानी दैट मीन कमर को सीधे रखना चाहिए यहाँ पे देखिए ये बैड तरीका है ठीक ये बेंड है डू नॉट स्टूप आर बेंड आवर सॉरी योर शोल्डर रीडिंग आर वॉकिंग तो कभी भी अपने शोल्डर्स को झुकाना नहीं चाहिए ओके जब आप पढ़ाई करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं तो.